दोस्तों राहुल तेवतिया को हिस्ट्री ऑफ आईपीएल सबसे बेस्ट फिनिशर कहा जाने लगा है। जो कितना ही बड़ा स्कोर हो आसानी से हार नहीं मानता। वो सबसे अच्छा परफॉर्म तब करता है जब टीम को उसकी जरूरत होती है। जिसे 2022 आईपीएल के डेथ ओवर में अपने खेल से गुजरात टाइटंस को कई मैच जिताए हैं। और फिर ऐसा ही एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट 2020 आईपीएल में उस समय हुआ था जब पंजाब की टीम ने 223 रन बनाए थे और राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए लास्ट 3 ओवर में 51 रन और चाहिए थे। टारगेट बहुत बड़ा था जो हर क्रिकेट फैन को आज भी याद है। तब राहुल तेवतिया को 23 बॉल में मात्र 17 रन बनाने पर उस समय उन्हें ट्रोल भी किया गया जब राजस्थान रॉयल्स के फैन को लगने लगा था कि राहुल तेवतिया ने संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ की मेहनत को बर्बाद कर दिया, जिसने 50 और 85 रनों की मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी। पर इस टॉप स्कोरिंग मैच की टफ सिचुएशन में तेवतिया ने अपने आईपीएल करियर की बेस्ट इनिंग्स खेली। जब शेल्डन कोटरेल 18वां ओवर लेकर आए तब तेवतिया ने पहली बॉल को पुल किया और कोटरेल का छक्के से स्वागत किया और फिर दूसरी बॉल पर भी वही किया और बॉल को 6 रन के लिए भेज दिया। तीसरी बॉल को तेवतिया ने मिड ऑफ के ऊपर से हिट किया और तीसरा छक्का लगा दिया। कोटरेल ने चौथी बॉल को डीप वाइड फेंकने की कोशिश की मगर तेवतिया अक्रॉस द विकेट आए और एक और छक्का लगा दिया। पांचवी बॉल को कोटरेल ने विकेट कीपर तक पहुंचाकर चैन की सांस ली ही थी कि छठी बॉल पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर तेवतिया ने एक ओवर में सिंगल हैंडेड 30 रन बनाकर अगले दो ओवर में 224 रन के विशाल लक्ष्य को चेज कर अपनी टीम को जीत दिला दी। तब तेवतिया ने 31 बॉल में 53 रन बनाकर साबित कर दिया था नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट, जो हिस्ट्री ऑफ आईपीएल लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ा रन चेज था, जिस पर धोनी और युवराज सिंह का नहीं बल्कि राहुल तेवतिया का नाम लिखा गया था। तब तेवतिया रातों रात सबसे बड़े मैच फिनिशर बन गए थे। दोस्तों कहते हैं लाइफ बदलने के लिए कोई एक अवसर ही काफी होता है और फिर राहुल तेवतिया को इस एक अवसर को गोल्डन अवसर बनाने के लिए 2014 से 20 आईपीएल तक 6 साल लग गए। दोस्तों तेवतिया की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। जिसे 2014 में राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 10 लाख में खरीदा था तब राहुल तेवतिया को 3 मैचों में अपनी बॉलिंग से सिर्फ 2 विकेट से संतोष करना पड़ा था, जिन्हें बैटिंग करने का ठीक से अवसर ही नहीं मिला। और फिर 2015 में मात्र एक मैच में एक विकेट लेने वाले तेवतिया को 2016 में रिलीज कर दिया गया, जिस पर किसी भी टीम ने भरोसा नहीं किया और आखिरकार राहुल तेवतिया अनसोल्ड रह गए। तब जाकर शुरू हुआ उनका एक्चुअल स्ट्रगल। मगर तेवतिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि कहते हैं ना कामयाबी तब तक हासिल नहीं होती जब तक उसे पाने के लिए जिद नहीं आ जाती। और फिर सारा फोकस इस क्रिकेटर ने अपने खेल पर लगा दिया। तब जाकर 2017 में युवराज सिंह को अपना हीरो मानने वाले राहुल तेवतिया को किंग्स इलेवन पंजाब ने 25 लाख में खरीदा, जिन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। मगर 3 मैचों में अपनी बॉलिंग से सिर्फ 3 विकेट लेने वाले तेवतिया को उनकी लो परफॉर्मेंस की वजह से लीव कर दिया, जिनका स्ट्रगल अब भी खत्म नहीं हुआ था, जिन्हें इतना भी पता नहीं था अगले आईपीएल में उन्हें कोई खरीदेगा भी या नहीं। और फिर 2018 में दिल्ली कैपिटल्स ने उन पर भरोसा दिखाते हुए जब 3 करोड़ में खरीदा तब तेवतिया ने अपनी बॉलिंग से 8 मैचों में 6 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत में मदद करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया ही था कि 2019 आईपीएल में लो परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें रिलीज तो किया ही, साथ साथ 3 करोड़ के इस क्रिकेटर का रिकी पोंटिंग द्वारा उस समय अपमान भी किया गया जब वह ड्रेसिंग रूम में मैच विनर प्लेयर्स को अप्रिशिएट करके जा ही रहे थे। तब तेवतिया ने उनसे इतना सा कहा था, मैंने भी इस मैच में सर्वाधिक 4 कैच पकड़े हैं, जो एक गैर विकेट कीपर द्वारा सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड भी है। आपने मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा। तब रिकी पोंटिंग ने प्लेयर से कहा, तेवतिया ने 4 कैच लिए हैं, इसके लिए वो चाहते हैं कि उनकी सब पेट थपथपाए, जो एक भद्दा और गैर जिम्मेदाराना कमेंट था, जिस पर सभी खिलाड़ियों ने उनका मजाक बना दिया जो रियल लाइफ में उस दिन एप्रिसिएशन के असली हकदार थे। और फिर 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने इस नायाब हीरे को 3 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। तब हरियाणा की ओर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले तेवतिया ने एक ही ओवर में 5 छक्कों के साथ साथ पूरे आईपीएल के 14 मैचों में 255 रन के साथ साथ अपनी बॉलिंग से 10 विकेट हासिल कर रातों रात सिक्सर स्पेशलिस्ट मैच फिनिशर बन गए, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। जो कितना भी बड़ा बॉलर हो अपने फियरलेस खेल से कभी समझौता नहीं करता। और फिर 2021 आईपीएल में तेवतिया ने 14 मैचों में 155 रन के साथ साथ अपनी बॉलिंग से 3 करोड़ की इस प्लेयर ने 8 विकेट लेकर तमाम आईपीएल टीमों की धड़कन बढ़ा दी। और फिर हरियाणा में पैदा हुए आइसमैन के नाम से फेमस 29 वर्षीय इस लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग ऑलराउंडर की बिडिंग हुई आईपीएल 2022 में, जहां चेन्नई सुपर किंग्स की विरुद्ध टफ बिडिंग में गुजरात टाइटंस से उन्हें 9 करोड़ में खरीद लिया। और फिर तेवतिया ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स के विरुद्ध मैच की लास्ट 2 बॉल पर 2 छक्कों के साथ साथ लखनऊ सुपर जॉइंट्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विरुद्ध 4 क्रूशियल मैचों में बतौर मैच फिनिशर अपने टीम को जीत में मदद करके अब तक 15 मैचों में 22 चौके और 9 छक्कों की मदद से 217 रन बनाकर गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचाकर वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके वह असली हकदार है। तो दोस्तों ये थे राहुल तेवतिया। अगर आप राहुल के फैन है तो इस वीडियो कर दो लाइक और साथ वाले घंटे को दबाकर चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।